बोलो गुर्जर सम्राट मेहर हो गया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, आज हमारे गुर्जर बिरादरी के सभी सरदार यहाँ जो देश के कोने कोने से आए हैं, मैं सभी का हाथ जोड़ के आभार करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत जरूरी था आज ये गुर्जर समाज का महाकुंभ में आपका इस तरह से जनसैलाब को दिखाना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम पशु की श्रेणी में आते हैं, हम अपनी बात कहने में, अपनी बात मनवाने में, अपने और हक अधिकार को कहने और सुनने में अच्छा मैं। तो साथियों, मैं इतना कह के खत्म करूंगा, समाप्त कर, समय का अभाव है, कि हम जातिवाद और पाखंडवाद में विश्वास नहीं करते, हम बिना वजह किसी से तकरार नहीं करते, और कोई बेवजह हमको छोड़े या छेड़े तो हम बर्दाश्त नहीं करते। हम धन सिंह कोतवाल के वंशज और पन्ना भाई के बेटे हैं, अगर बात हमारे उसूलों पे आ जाए तो हम सर कटाने से भी नहीं डरते। साथियों, आप सभी आज यहाँ आए हैं, आप सभी ने यह तय कर लिया है कि आने वाला समय आपका है, और आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, न अन्याय करने वाले को छेड़ेंगे, न किसी के साथ अन्याय करेंगे। मेरा 2 मिनट के लिए एक युवाओं से आह्वान है, मेरा निवेदन है, वहां पर जो साथी मोटरसाइकिलें लेके और अपने अपने ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहे हैं, वहां पर हमारे पुलिस प्रशासन में कुछ हमारे भी साथी हैं, शैलेन गुरैया जी जैसे हमारे बहुत कर्तव्य निष्ठ अधिकारी खड़े हुए हैं, वो उनको सबको परेशानी ना हो, सबको संयम का परिचय देते हुए और अपनी व्यवस्था बनाए रखें। जय श्रीदेव, जय गुर्जर समाज।